हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों का जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है वो हम आप लोगों को आज बताएंगे बीएससी एग्रीकल्चर में। और ये सिलेबस आप लोगों का फिफ्थ डीन आईसीआर सिलेबस होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है। और ये वीडियो फोर्थ सेमेस्टर वालों तक ज़रूर पहुंचाते रहें। सो प्लीज़ चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें आप लोगों को कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, हम आप लोगों को पूरे सिलेबस की पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें आप लोगों को टोटल 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 9 सब्जेक्ट आप लोगों के कैसे पढ़ने हैं और कौन कौन से पढ़ने हैं, देखिए आपका पहला सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड का, जिसमें रबी क्रॉप्स आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। और ये आपका टू ग्रेड का सब्जेक्ट है, टू क्रेडिट का सब्जेक्ट है। और इसका जो कोड होता है वो ए जी, ये कोड दिया गया है, यहाँ पे ग्रेड दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ये आप लोगों को क्रेडिट या ग्रेड दी जाती है और यहाँ पे ये आप लोगों को कोड दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इसका अगला जो सब्जेक्ट है, अगला सब्जेक्ट हमारा क्या है, अगला सब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ सी टेक्नोलॉजी। ये आपका तीन ग्रेड का सब्जेक्ट है और इसमें ए जी 403 आपका सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। अगला है हमारा प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड डियर मैनेजमेंट, ये आपका दो ग्रेड का सब्जेक्ट। इसमें जो जो एक ग्रेड दी जाती है, ग्रेड का क्या मतलब होता है, जो ग्रेड होती है आपकी टू होती है, जैसे टू होती है इसमें 2+1 आपका दिया नहीं है, वैसे 2+1 होना चाहिए। इसमें आपकी दो थ्योरी क्लास हैं और प्लस एक प्रैक्टिकल की क्लास होती है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की थ्योरी थ्योरी की क्लासेस सिर्फ बताएंगे। इसमें तीन हैं, इसमें दो हैं और टेक्नोलॉजी में तीन हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल में दो हैं। और आगे देखिए रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसमें आप लोगों की दो हैं। अगला है हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एंड मैप एंड लैंडस्केपिंग, इसमें भी आप लोगों की दो हैं क्लासेस। और आगे देखते हैं, अगले दिया गया है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें भी आप लोगों की दो क्लासेस दी गई हैं। इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें भी आप लोगों को दो दी गई हैं। इसके बाद है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें भी आप लोगों की दो क्लासें हैं। और पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें भी आप लोगों की दो हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को ये सब्जेक्ट बताया, आप लोगों को पूरे 9 सब्जेक्ट पढ़ने हुए, ठीक है। अब इसका हम जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे कि थ्योरी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड है, इसमें आप लोगों की रबी क्रॉप्स हैं। इसमें थ्योरी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, हम आप लोगों के केवल थ्योरी के टॉपिक्स बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए आप लोगों को जो रबी क्रॉप्स पढ़ाई जाएंगी उनमें उनका आप लोगों को देखिए, हम जो आप लोगों को सिलेबस बताते हैं इसका मतलब आप लोगों को वो जो डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों को जब आप लोगों को डिस्क्राइब इसका पता हो जाएगा ना तो आप लोगों का सब्जेक्ट ना सिंपल हो जाता है। तो इसलिए हम आप लोगों को इसके बारे में बताते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हम इसके थ्योरी के बारे में भी बताए दे रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं जो आप लोगों को क्रॉप्स पढ़ाए जाएंगे इसमें उसका क्रॉप्स का क्या होगा, ऑरिजिन पता होना चाहिए सबसे पहले। और इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। और सॉयल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स पता होने चाहिए, वेराइटीज पता होनी चाहिए, उसकी कल्चरल प्रैक्टिस एंड यील्ड पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को कितनी चीज़ें, मतलब कोई भी क्रॉप हो आपको उसमें से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस क्या बनेंगे आपको, देखिए सबसे पहले हमने बताया ओरिजिन एक, इसमें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तीन, और सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स चार, ठीक है, और वेराइटीज पाँच, कल्चरल प्रैक्टिस छः, एंड यील्ड एंड हार्वेस्टिंग और ये सात। इसमें से मतलब आपकी कोई भी क्रॉप्स हो उसमें से सात आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इन्हीं में से आप लोगों का पूछा जाता है, जैसे कि अब हम देखिए इसमें रबी क्रॉप में जो सीरियल्स आती हैं, सीरियल्स कौन कौन सी हैं आपकी, जो सीरियल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए वीट एंड वारले आपकी दो ही सीरियल्स क्रॉप। इसके बाद हैं पल्सेस में कौन कौन सी हैं आपकी, चिकपी है, लेंटिल भी है, ऑल सीड है, और रेप सीड, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी शुगर क्रॉप्स में कौन कौन सी, शुगर क्रॉप में आपकी शुगर कैन है, सिर्फ एक क्रॉप है, ठीक है। एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स में आपकी मेंथा, लेमन ग्रास एंड सिट्रोनेला होती हैं, ठीक है। और इसके बाद आती है फॉरेज क्रॉप्स में आपकी तीन दी गई हैं, वर्सेम, ल्यूशन एंड और ओट दी गई, ठीक है। इसमें आपकी टोटल जो क्रॉप्स हैं वो कितनी हो गई हैं, देखिए आपकी दो सीरियल्स क्रॉप हैं और यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे दो सीरियल्स क्रॉप हैं इसके अलावा भी, और जो आप लोगों की दी गई हैं आप लोगों को टोटल कितनी क्रॉप्स पढ़नी है इसमें, मतलब जो एग्रोनॉमी में आप लोगों को बताया गया इसमें आप लोगों को
एग्रोनॉमी में रबी क्रॉप्स में टोटल आप लोगों को 15 क्रॉप्स पढ़नी है। तो आप लोगों मतलब 15 क्रॉप्स में से आप लोगों को इतने मतलब हर क्रॉप से आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं और आराम से अपना पेपर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे जो क्रॉप है हमारी वो मतलब सब्जेक्ट है हमारा कौन सा है, प्रिंसिपल्स ऑफ सी टेक्नोलॉजी है। प्रिंसिपल्स ऑफ सी टेक्नोलॉजी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है उससे। तो इसमें देखिए आप लोगों को टेक्नोलॉजी एक तो पढ़नी है, सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी जो पढ़ाई जाएगी उसका इंट्रोडक्शन मतलब टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो दिया जाएगा। डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो होता है आपका मतलब कुछ इसमें टॉपिक होते हैं जो हर मतलब हर सब्जेक्ट में आप लोगों के सेम होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, ये जो होते हैं ये आप लोगों के हर सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपको दिए गए हैं इसमें डेफिनेशन, करेक्टर्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड, गुड क्वालिटी सीड एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड, क्लासेस ऑफ सीड हैं, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड एंड प्रोडक्शन सीड सर्टिफिकेशन दिया गया है इसमें। आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्या क्या दिया गया है, प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट दिया गया है सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल्सिस, फॉडर एंड वेजिटेबल्स का। ठीक है, इसके बाद इसमें जब आप लोग और देखेंगे तो इसमें और भी कई चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि सीड ड्राइंग दी गई है, GM क्रॉप्स दी गई हैं और ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन दिया गया है, ट्रांसजीन कॉन्टेमिनेशन एंड नॉन GM क्रॉप्स दी गई हैं, और इसका जो सीड कंट्रोल ऑर्डर जो 1983 में दिया गया उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है। तो आप लोगों के इस तरीके से मतलब सिलेबस आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को कोई बात नहीं, सब आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है सीड ड्राइंग एंड प्रोसेसिंग एंड दियर स्टेप्स दी गई है, सीड टेट्स दिए गए हैं, टेट्सिंग फॉर क्वालिटी असिस्टमेंट मतलब उसका जो वो क्वालिटी इसकी टेस्ट की जाती है वो कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें दी गई। फिर इसके बाद आता है आपका सीड पैकिंग और सीड स्टोरेज, सीड स्टोरेज में कौन कौन सी आप लोगों के मेजर्स वो होते हैं वो सब आप लोगों को बताए जाएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग दी गई है, मार्केटिंग। फिर इसके बाद बताया गया रोल ऑफ WTO एंड OECD जो सीड मार्केटिंग में होती है ये दिया गया। ठीक, फिर इसके बाद आप लोगों को लास्ट में दिया गया प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंड दियर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी इसमें चर्चा की जाएगी आप लोगों की। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद अगला जो है हमारा प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड दियर मैनेजमेंट। इसमें जो है आप लोगों का बहुत ही कम आप लोगों का जो है सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का सिलेबस बहुत कम है। तो क्या क्या है सिलेबस में देखते हैं, सॉइल क्वालिटी एंड हेल्थ दी गई है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट लैंड एंड प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स दी गई। ठीक है, फिर इसका कैटेगराइजेशन किया गया है बेस्ड ऑन, इसका कैटेगराइजेशन भी किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, एसिड सल्फेट सॉइल्स, एरोटिक एंड कॉम्पैक्ट सॉइल्स एंड फ्लडेड सॉइल्स एंड पोल्यूटेड सॉइल्स। ठीक है, ये सब दिए गए। इसके बाद आते हैं इरीगेशन वाटर, इरीगेशन वाटर में क्या क्या दिया गया है, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड दिया गया, यूटिलाइजेशन ऑफ सेलाइन वाटर इन एग्रीकल्चर दिया गया है, इसमें GIS और ये आपका दिया गया GIS डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉइल। इसके बाद आप लोगों को इसमें कई चीज़ें हैं, मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज एंड बायो रेमेडिएशन थ्रू MPTS ऑफ सॉइल, लैंड कैपेसिटी एंड क्लासिफिकेशन एंड आप लोगों को दिया गया है स्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लमेटिक एंड अंडर दियर इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसका आप लोगों का इतना ही बस था सिलेबस। और जो अगला सब्जेक्ट हमारा रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसमें आप लोगों को मतलब ये सब्जेक्ट आप लोगों का है जो लगभग एनवायरनमेंट से संबंधित है। तो इसमें आप लोगों को देखिए क्या क्या दिया है, क्लासिफिकेशन एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, एंड फर्मलाइजेशन विद बायोमास यूटिलाइजेशन और जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एनर्जी सोर्सेज का एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या योगदान होता है वो सब पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, इसका इसके बाद एनर्जी इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी, इसका सोलर एनर्जी का कलेक्शन एंड दियर एप्लीकेशन फर्मलाइजेशन बहुत विद सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को मतलब कैसे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं और इसका क्या मतलब वो सब होता है उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया गया है। इसके बाद दिए गए सोलर डायरिंग एंड सोलर पॉन्ड, सोलर डिस्टिलेशन एंड सोलर प्रॉब्लमेटिक सिस्टम और एंड विंड एनर्जी एंड दियर एप्लीकेशन दिया गया। इसमें भी आप लोगों का बहुत ही कम सिलेबस है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए अगला सब्जेक्ट देखते हैं, अगला सब्जेक्ट क्या है हमारा, जो अगला सब्जेक्ट है वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटेड एंड लैंडस्केपिंग। ये आपका हॉर्टिकल्चर में आता है ये आप लोगों का सब्जेक्ट,
ठीक है, तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लैंडस्केपिंग। एंड आप लोगों को मेडिसिन और एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है इसमें, और उसकी कंडीशन जाननी है, जैसे कि ग्लैडियोलस एंड ट्यूबेरेसिस, क्राइसैंथेमम अंडर ओपन कंडीशंस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आप लोगों को ये सब बताया जाएगा। आप लोगों को मेरे चैनल पे भी इसकी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को हम जानकारी देते रहेंगे जैसा कि, तो आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को और कुछ बताने वाले हैं। और इसमें दिया गया प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अश्वगंधा होता है, एस्परजिलस होता है, एल्गी होता है, कॉस्टस होता है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब आप लोगों को पढ़ाने। एरोमेटिक प्लांट्स में, एरोमेटिक प्लांट्स आप लोगों को कौन कौन से होते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं आपके मिंट होता है, लेमन ग्रास होती है, ये सिट्रोनेला होता है, पाल्मोसेरा होता है, इन सब के बारे में भी ये आप लोगों की जो क्रॉप्स दी गई ये सब भी आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अगला क्या है, अगला है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिटी। इसमें बिजनेस, इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बिजनेस के बारे में आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, जैसे कि स्वैट एनालिसिस, स्वैट एनालिसिस क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड में, ये होती है मतलब इकोनॉमिक्स में आता है आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ये सब क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है इसका, और आपको बिजनेस स्किल्स के बारे में, बिजनेस लीडरशिप स्किल्स के बारे में, कम्युनिकेशन डेवलपिंग मटेरियल एंड स्किल्स के बारे में। ठीक है, और यही सब आप लोगों को चीज़ें बताई जाएंगी। और इसके बाद फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्ट की जाएगी, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल एंटरप्राइजेज, मतलब इसमें कौन कौन सी आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एग्री बिजनेस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अगला हमारा सब्जेक्ट क्या है, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोमेट्रियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ये आप लोगों का जो सब्जेक्ट है ये आता है आप लोगों का फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसमें आप लोगों को क्या 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 पढ़ना है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है मीनिंग एंड स्कोप एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी, और इसका अर्थ एटमोसफियर पढ़ना है, इसका कॉम्पोजिशन पढ़ना है, क्या क्या होता है एटमोसफियर में, हमारे में क्या होता है, किसका क्या बैलेंस होता है। ठीक है, टाइप ऑफ विंड, विंड का टाइप, टाइप ऑफ विंड पढ़नी है, और इसके लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज पढ़नी है, ये सब चीज़ें, नेचर एंड प्रॉपर्टीज एंड सोलर रेडिएशन पढ़ना है, और यहाँ पे देखिए आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, टेम्परेचर इन्वर्जन, और एनर्जी बैलेंस ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सेचुरेशन वेपर, ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों का सिलेबस खुल ज़्यादा है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला हमारा एग्री इन्फॉर्मेटिक्स है, एग्री इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो होता है आपको कंप्यूटर्स के बारे में सब चीज़ होती है, जो आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में सब चीज़ पढ़ाई जाएगी इसमें, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, देखिए जो पहले ही है इसमें वो दिया गया है टॉपिक, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है, टाइप पढ़ने हैं, और यही सब चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, मतलब उसी से आप लोगों को ये सब पढ़ाया जाएगा। ये www. ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसका एग्रीकल्चर में क्या महत्व होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है इसमें, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, और ये ई एग्रीकल्चर में इसका क्या योगदान है, ई एग्रीकल्चर। ठीक है, यूज ऑफ ICT इन IT एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के लिए, कंप्यूटर स्मार्टफोन एप्स जो एग्रीकल्चर के होते हैं, इसमें एडवाइजेज दी जाती है, मार्केटिंग की जाती है, प्राइजेज होते हैं, ये सब चीज़ें कैसे मतलब हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि एप्स होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के उनसे संबंधित होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक्सपर्ट सिस्टम होता है, जो सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसमें, जो हम लोग कंप्यूटर के जरिए से कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, समझ पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, तो इसमें आप लोगों का ज़्यादा नहीं है सब्जेक्ट में, इसमें ये यूनिट वन में दिया गया आपका जनरल जो है, यूनिट वन में आपका जो जनरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस पोल्ट्री, इंडिया, इंडिया का क्या प्रोडक्शन है, बर्ड में क्या प्रोडक्शन है, स्टेटिक्स ऑफ एग्स एंड चिकन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड पोल्ट्री एंड बर्ड्स। ठीक है, इसमें जो सेकेंड है आपका ब्रीडिंग, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है इसमें, ब्रीड्स एंड स्ट्रेंस, बॉयलर एंड लेयर्स ऑफ चिकन। ठीक है, इसमें बॉडी वेट पढ़ना है, बॉडी किसका कितना बॉडी वेट होता है, एग का कितना वेट होता है, और इसका बॉडी वेट चिकन का कितना होता है, कलिंग एंड सिलेक्शन पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन भी पढ़ना है। ठीक है, और इसमें क्या है, यूनिट थ्री में, यूनिट थ्री में दिया गया जनरल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में मतलब इसकी कब स्थापना
मतलब पॉलिटी की कैसे स्थापना की जानी चाहिए, कैसे किस प्रकार का होना चाहिए, इसमें कौन कौन से यंत्र होने चाहिए हमारे, कैसे एग और बायलर के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, हमें कैसे रखना चाहिए, ठीक है, ये सब आप लोगों को देखना है। इसके बाद है यूनिट 4 में है फीड्स एंड फीडिंग, इसके खान पान पे जो ध्यान देना है। फीड्स एंड फीडिंग में डाइजेशन एंड डाइजेशन सिस्टम जो होता है उसके बारे में आप लोगों को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, मुर्गी को किस प्रकार से जो खिलाएं हम कि उसके मतलब अंडे जो हैं वो अच्छे रहें, इनका क्या रेशियो होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक है। और नंबर 5 में क्या है, यूनिट 5 में दी गई है जो इसकी बुक क्या दी गई, हेल्थ मैनेजमेंट, इसके हेल्थ, इसमें वैक्सीनेशन शेड्यूल और पोल्ट्री दी गई है, कॉमन पोल्ट्री डिजीज जो डिजीज होते हैं, जैसे कि इसकी जो मुख्य डिजीज होती है वो रानीखेत होती है, मेरेक्स, चिकन पॉक्स, ये सब इसकी जो डिजीज हैं जो आपकी ये बहुत ही भयंकर होती हैं, सो तो इनको बहुत आराम से आप लोगों को पढ़ना है इनको भी। अब यूनिट 6 में आते हैं, इसमें होता है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किस प्रकार से बेचा जाना चाहिए, मतलब किस प्रकार से उनकी मार्केटिंग की जानी चाहिए, किस स्टोरेज करना चाहिए, कैसे स्टोरेज, और इसकी प्रिवेंशन एंड स्टोरेज ऑफ एग्स, ग्रेडिंग कैसे की जानी चाहिए, एग मार्केट स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है इसमें। तो चलिए, हमने आप लोगों का पूरा सिलेबस आप लोगों का ख़त्म कर दिया, सो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करते रहें यार, ठीक है। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड्स कराते रहेंगे, ठीक है, अगले सेमेस्टर के लिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।